जी बेटा, अब जो हमारे पास आज टॉपिक है बेटा, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम कहते हैं के एस पी। ठीक है। अच्छा, ये है क्या चीज और क्या है सारा सर मामला, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो बेटा, होता क्या है, जब हम किसी चीज को पानी में डिजोल्व करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने NaCl को पानी में डिजोल्व किया, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल NaCl को पानी में डिजोल्व किया, तो होता क्या है, कोई बताएगा मुझे NaCl अगर पानी में डिजोल्व करूंगा तो क्या होगा? एनी आइडिया? सर ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाता है। वेरी गुड। सोडियम पॉजिटिव आयन में टूट जाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन में टूट जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गए, ये जो दोनों हैं ये क्या हैं? ये दोनों हैं आयन्स। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आयन्स, ठीक है ना। अब चूंकि देखो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन पे, अभी हमने ऊपर देखो सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, जो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या अप्लाई होता है? केसी अप्लाई होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई होता है, ये रहा, हमने देखा था कि इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है। लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नाप तोल कर हमें फाइनली अल्टीमेटली एक फॉर्मूला देता है केसी का, जो हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटीज बता रहा होता है कि रिएक्शन होगा, कैसा होगा, कितनी प्रोडक्ट बनेगी, कितनी नहीं बनेगी। इस केसी के बहुत सारे फायदे थे, हमने इसकी एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो अभी हमारे पास कंसिडरेशन में टॉपिक है, ये उसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, या वही समझ लो वही टॉपिक है, बट बात करने का अंदाज अलग है और कंडीशन जो है वो सिनेरियो जो है वो चेंज है। यहाँ पर सिनेरियो क्या है? यहाँ पर सिनेरियो ये कि हम किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को ऐड करके डिसॉल्व करवा रहे हैं। अब चूंकि डिसॉल्व होने का अमल, किसी चीज के भी डिसॉल्व होने का अमल भी रिवर्सिबल होता है, यानी कि पॉसिबल होता है। जब हम देखो किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो अपने आयंस में टूटता है, बट देयर इज अ चांस कि वो दोबारा से अपने आयंस को जोड़कर दोबारा से NaCl बना दे, यानी कि सॉलिड टूट कर आयंस में, सॉलिड आयंस में टूट जाए, पॉसिबल है, और साथ ही वो आयंस दोबारा से जुड़कर दोबारा से सॉलिड बना दें, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये जो होता है ये सॉलिड स्टेट में है, आयंस हमेशा याद रखना लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा किसी सॉल्यूशन में आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा किसी सॉल्यूशन में आयंस फॉर्म होंगे, हम ये कहेंगे कि उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो उतना ही अच्छा है। द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रोडक्ट किस चीज का? आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारे पास एग्जाम्पल है Na और Cl, ये दो है ना। लेट से यहां पर हम इसको, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल NaCl के लाइक 10 मॉलिक्यूल्स थे।
अब इन 10 मॉलिक्यूल्स में से फॉर एग्जांपल 8 मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटे, तो 8 आयंस हमारे पास आए सोडियम के और 8 आयंस मेरे पास आए किसके, क्लोरीन के। अब जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा, 8 × 8 इज इक्वल टू 64, यानी कि इस रिएक्शन का केएसपी क्या हो गया, 64, पानी में डिसॉल्व किया था। ठीक है, अब सेम यही रिएक्शन मैं करवा रहा हूं फॉर एग्जांपल AgCl का, AgCl को भी मैं पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं और AgCl के भी मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब AgCl पानी में डिसॉल्व हुआ बेटा तो Ag पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन, ये दो आयन्स मेरे पास फॉर्म हुए। ठीक है, अच्छा Ag पॉजिटिव आयन मेरे पास दो आए और क्लोरीन नेगेटिव आयन भी दो आए। अच्छा, इस वाले केस में क्या हुआ था, 10 मॉलिक्यूल्स में से 8 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए थे, ठीक है, तभी मेरे पास 8 आयन सोडियम के 8 आयन क्लोरीन के आए। यहां पर क्या केस है, यहां पर 10 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, ठीक है, तो 2 आयन मेरे पास सिल्वर के आ गए, 2 आयन मेरे पास क्लोरीन के आ गए। अब मैं इनका भी प्रोडक्ट निकालूं आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का, तो 2 × 2 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब इस चीज को पानी में डिसॉल्व करने की केएसपी क्या है, 4। अच्छा, अब केएसपी से मुझे पता क्या चल रहा है, केएसपी से मुझे पता ये चल रहा है कि अगर मैं NaCl को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो NaCl ज्यादा मकदार में भी पानी में डिसॉल्व होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व होगा। लेकिन उसी जगह अगर मैं पानी के अंदर AgCl को डालूंगा, डिसॉल्व करूंगा, तो AgCl की चूंकि केएसपी की वैल्यू कम है तो AgCl पानी में बहुत कम मकदार में डिसॉल्व होगा और जो डिसॉल्व भी होगा वो भी बहुत अच्छी मकदार में नहीं होगा। यानी होल सो होल केएसपी का ताल्लुक किस चीज से आ जाता है कि किसी सॉलिड को अगर हम किसी लिक्विड में XYZ डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना अच्छा डिसॉल्व होगा और कैसा डिसॉल्व होगा, यानी कि टोटल ताल्लुक इस चीज से कि कोई चीज कैसी डिसॉल्व हो रही है, सिंपल इनफ। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, अब सवाल यहाँ ये आता है कि सर हमें जरूरत क्या पड़ी है, लाइक मतलब हम क्यों, मतलब हमें क्या जरूरत पड़ी कि भाई अगर कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है, अच्छी हो रही है, तो हमें उससे क्या कंसर्न, कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है, अच्छी नहीं डिसॉल्व हो रही, तो हमें उससे क्या करना, क्या कह रहे बेटा दोबारा बोलो सर, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। इलेक्ट्रोलिसिस का एक पर्पस है हमारे पास कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो उसकी मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए किसी भी चीज का पानी में अच्छे से डिसॉल्व होना, ज्यादा से ज्यादा आयंस में टूटना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि सर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर तो आजकल हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हम बैटरीज और सेल, मोबाइल फोन की बैटरी, तो हमारे UPS जनरेटर की बैटरी, कार की बैटरी, मोबाइल जो बैटरी सेल्स आते हैं हमारे रिमोट वगैरह के, हर चीज में जो बैटरी जहां पे भी इस्तेमाल हो रही है वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, वो इलेक्ट्रोलिसिस ही तो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, लेकिन ये वो एग्जाम्पल है सबसे कॉमन और जो आप जिससे जिसको आप तकरीबन अपने डेली लाइफ में रोजाना यूज कर रहे हैं या देख रहे होते हैं, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। एक इलेक्ट्रोलिटिक पर्पस आ जाता है इसका। इसके अलावा और इसका सर क्या पर्पस है बेटा, बहुत सारे रिएक्शंस में हमें हम सॉलिड यूज नहीं कर सकते, बहुत सारे पर्पसेस में हमें लिक्विड्स की जरूरत होती है, हम वहां पर लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर सॉलिड्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब ऐसे रिएक्शंस में जहां पर हम लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास लिक्विड आए, तो उसके लिए तो बेटा एक चीज की जरूरत होती है ना, और वो क्या है जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है उसके लिए, उसके लिए हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे पास जो है वो जो भी हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो सॉल्यूशन हमारे पास अच्छी से अच्छी मकदार में प्रिपेयर हो। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात जी? अच्छा, अब इसकी भी हमें कोई इसका भी हमें फॉर्मूला वगैरह निकालना पड़ेगा, तो चलो इसका भी हम फॉर्मूला निकालते हैं। अगर सारी बात मेरी समझ में आ चुकी है तो एक्सप्लेनेशन इसकी ले लेते हैं। सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है?
इलेक्ट्रोलिसिस क्यों होता है, ये कह रही हो बेटा, या क्या होता है? क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे, इत्तेफाक से अगला चैप्टर मैंने ही पढ़ाना है, क्योंकि अभी अगर मैं बताने चला जाऊंगा तो फिर मैं अगले ही चैप्टर पे चला जाऊंगा, तो पहले इसलिए मैं चाह रहा था कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर ले, क्या ख्याल है? और होता क्यों है? होता क्यों है? अगर ये नहीं होता तो आज तुम्हारे पास बैटरी सेल्स और इस तरह की चीजें नहीं होती, ये सब छोड़ो, ये देखो कि तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं होता, आजकल के बच्चों के लिए तो मतलब मोबाइल फोन उनकी जिंदगी के बराबर हो गया है, तो अब सोचो अगर तुम्हारे तुम्हें लाइफ में ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती मोबाइल फोन वाली तो कैसे जिंदा रहती? अच्छा बेटा, एक रिएक्शन है हमारे पास AgCl का, और AgCl को मैं फॉर एग्जांपल किसी भी एक XYZ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो जब AgCl डिसॉल्व होगा तो Ag पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन्स फॉर्म होंगे। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक केसी क्या होता है, अगर कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन तो अप्लाई होगा ही होगा डेफिनेटली। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो होता है वो बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है ना? इस बात में कोई परेशानी तो नहीं है जो मैंने लिखी है, क्योंकि पुरानी बात है। सही है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मैं ऊपर वाले रिएक्शन के लिए अप्लाई करूं, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन ए फॉर अबव मेंशन रिएक्शन, ऊपर जो रिएक्शन अभी करवाया जा रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या बन जाएगी बेटा, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दो है मेरे पास, एक Ag पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयंस है ना, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड किससे हो रहा है, रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट क्या है AgCl, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता है, सैचुरेशन का या सैचुरेटेड क्या होता है इसका पता है, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान में हो अगर किसी के? यस सर। क्या होता है पूरा सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ हो जिसमें मजीद सॉल्यूट ऐड ना हो सकता हो, अगर किसी को नहीं पता तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर H2O, अब इस 1 लीटर H2O में मैंने फॉर एग्जाम्पल 500 ग्राम्स NaCl ऐड कर दिया और सारा का सारा डिजॉल्व भी कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर मजीद 2 ग्राम्स NaCl और ऐड करूं तो वो डिजॉल्व नहीं हुआ बल्कि वो यहां नीचे सॉलिड बनकर बैठ गया, किस जगह पर? इट मीन्स कि पानी जो है वो 500 ग्राम NaCl से सैचुरेट हो गया, मजीद डिसॉल्व नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर मेरे पास 1 लीटर पानी हो
और उसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल 300 ग्राम NaCl डिसॉल्व करूं, पानी कितना है भाई 1 लीटर, तो अब ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन कहलाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर मजीद 200 ग्राम NaCl डिसॉल्व होने की कैपेसिटी होगी। सही है, जितनी कैपेसिटी है उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, तो जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और कैपेसिटी से कम हुआ तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक बात बताओ, जो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इस 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अंदर जो NaCl के डिसॉल्व होने की अमाउंट है वो है 500। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो 500 ग्राम की कांस्टेंट अमाउंट है इसी टेम्परेचर पे बिना टेम्परेचर चेंज किए ये अमाउंट मैं ज्यादा कर दूं, यानी कि पानी में 500 ग्राम से ज्यादा NaCl डिसॉल्व हो जाए, इज दैट पॉसिबल? 200, इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके अंदर और ज्यादा NaCl डिसॉल्व करूं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं इसके टेम्परेचर को बदलूं, यानी टेम्परेचर 30 से बढ़ाकर 40 कर दूं, 50 कर दूं, तो शायद और ज्यादा डिसॉल्व हो जाए। लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं दुनिया जहान का जोर भी लगा लूं, जिंदगी भर भी उसके अंदर मैं चम्मच चलाता रहूं, हिलाता रहूं, स्टिर करता रहूं, लेकिन उसमें 500 ग्राम से ज्यादा मैं NaCl डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट पर जो सॉल्यूट होता है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। ओके, तो फिर अब मैं इसी स्टेटमेंट का यहां पर फायदा उठाऊंगा, बट एट सेचुरेशन, जिस वक्त सेचुरेशन आता है या अचीव होता है, दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड AgCl इज कॉन्स्टेंट। सॉलिड AgCl की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यानी मकदार जो होगी AgCl की, वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी किस वक्त? सेचुरेशन पर। ये आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ मौजूद भी है जो मैंने आपको दे दी, ठीक है? अच्छा, अगर AgCl की वैल्यू या अमाउंट कॉन्स्टेंट है, तो मैं एक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सो दी अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, तो फिर ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसका कुछ इस तरह का हाल हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। Kc इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय AgCl, था ना? तो इस AgCl को, अब ये AgCl को मैं K लिख दूं कांस्टेंट, चलेगा? जी सर। सही। अब इस K को मैं उधर भेजता हूँ Kc के साथ, दोनों कांस्टेंट एक तरफ कर लो, K और Kc, तो इधर क्या रह गया? Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, 2 × 2 आंसर क्या होगा? 4 × 2 आंसर क्या होगा? 8। 6 × 2 12। बड़े फटफट आंसर बता रहे हो, टेबल वेबल याद किए हुए क्या तुम लोगों ने? अच्छा, बचपन से स्कूल वाली बाजी याद करवाती है। अच्छा, एक बात है, अगर जरा गौर करो, अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये सब के सब कॉन्स्टेंट्स थे, ये सब के सब भी कॉन्स्टेंट्स थे, तो इन सबका आंसर क्या आया? डिफरेंट आया सर, कॉन्स्टेंट आया सर, कॉन्स्टेंट आया। कॉन्स्टेंट का मतलब ये नहीं कि सेम आ गया, ये अलजेब्रा वाला कॉन्स्टेंट की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर कांस्टेंट आया। कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, रिपीट कर दे। आया, देखो मैं ये कह रहा हूँ एक कांस्टेंट है 2, वो जब एक और कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया, एक और कांस्टेंट 4। ठीक है, इसी तरीके से एक कांस्टेंट 4 जब कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट 8 आ गया। इसी तरीके से कांस्टेंट 6 जब मल्टीप्लाई हुआ कांस्टेंट 2 से तो आंसर कांस्टेंट 12 आ गया। देखो अलजेब्रा में होता है क्या, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड या फिर कोफिशिएंट्स होते हैं 2x y z। अब ये 2 जो है ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कहलाएगा कोएफिशिएंट। अगर वेरिएबल के साथ लिखा है तो कहलाएगा कोएफिशिएंट, और अगर बिना वेरिएबल के लिखा है तो कांस्टेंट। अच्छा सर, वेरिएबल के साथ लिखे होने में इसको कोएफिशिएंट कह रहे हैं, अकेले लिखे में बेचारे को कांस्टेंट कह रहे हैं, क्यों ये खुला तजाद क्यों फैला रहे हैं आप? भाई बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती ना, समझ गए? अब इन वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो वो वेरिएबल्स की वैल्यू जब मुझे पता चलेगी और मैं वो यहाँ पुट करूंगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी आंसर दे देंगे। अच्छा मेरे मान लो 4 पर्चियां हैं, ठीक है, हर पर्ची में एक्स की वैल्यू, एक पर्ची में 1 है, एक में 2 पर्चियां हैं फॉर एग्जांपल, एक में 2 है, एक पर्ची में वाई की वैल्यू 3 है और एक पर्ची में वाई की वैल्यू 4 है, एक पर्ची में जेड की वैल्यू 6 है, एक पर्ची में जेड की वैल्यू 4 है। अब अगर एक बात बताओ, अगर मेरी पर्ची निकली x की 1 वाली पर्ची निकली, तो मैं x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 3 रखूंगा और z की जगह 6 रखूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 आ जाएगा आंसर। अच्छा अगर मेरी पर्ची निकली दूसरी वाली नंबर 2, तो क्या आएगा आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पर 2, y की जगह पर 4, z की जगह पर भी 4, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, आंसर अलग आया बेटा दोनों का? जी सर। अगर यहाँ पे सारे कांस्टेंट होते मतलब 2 के साथ x y z 2 2 और 2 ही लिखता, तो जब भी मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास 16 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो मैंने समझाना क्या चाहा कि जब भी दो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं आंसर हमेशा कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ही आता है, कुछ और नहीं आ सकता, ये समझाना चाहा है। अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच गई है तो मुझे ओके करें। ओके सर। यस सर। ठीक है, तो के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ के सी कॉन्स्टेंट से, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेटिव प्रोडक्ट था उसको मैंने एक नए कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया जिसको मैं कह रहा हूँ के एस पी। अब KSP किसके बराबर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस के बराबर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइंस के बराबर आ गया KSP। ठीक है बेटा, अब KSP को क्या कहते हैं, KSP को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, समझ गए? जी सर। यस सर। अच्छा केएसपी का यूनिट क्या होता है, केएसपी का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब और इसकी पावर एन, ये वेरी करता है यूनिट, ठीक है, और इसको हम कैपिटल एम भी लिखते हैं, ठीक है ना, मोलैरिटी के यूनिट से भी बुलाते हैं। अच्छा अब कंसर्न इशू क्या है, अब हम बात करते हैं इस केसी केएसपी की एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी। अच्छा देखो अब यहां पर क्या होगा, KSP बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है जो हर किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करने पर जो KSP आती है ना वो तकरीबन हर चीज की निकली हुई है, यानी कि अगर ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल पानी के अंदर हो रहा होता
HCl को मैंने पानी के अंदर डाला हुआ होता, यहाँ पर H2O होता, तो इसकी एक फिक्स KSP की वैल्यू स्टैंडर्ड मौजूद है हमारे पास। इसी तरीके से दुनिया के पता नहीं करोड़ों सब्सटेंसेस को पानी में ऐड कर करके उनकी KSP की वैल्यू निकाली गई है, चेक की गई है, ठीक है। अब मैं अलग से किसी दिन बैठा हुआ सॉल्यूशन बना रहा हूँ KSP का, मतलब एक फॉर एग्जांपल AgCl लेकर पानी में सॉल्यूशन बना रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन बनाने के लिए AgCl डाला, भरपूर डाल दिया, पानी में मिला दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने फुल पानी को गर्म करके हीट करके जबरदस्ती उसके अंदर AgCl डिसॉल्व कर दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब पानी ठंडा होगा, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आएगा, तो जो मैंने एक्स्ट्रा AgCl उसके अंदर डिसॉल्व किया होगा वो सारा का सारा अनडिसॉल्व होकर वापस सॉलिड बन जाएगा। वो जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस 9 क्लास में पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही है बेटा। क्रिस्टलाइजेशन में भी क्या होता है कि हम पहले सॉलिड को भरपूर करके डिसॉल्व कर देते हैं लिक्विड में, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भरपूर जब लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है सॉलिड, उसके बाद हम जो है वो अगर टेम्परेचर को कम कर दें थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता पानी को एवेपोरेट कर दें या टेम्परेचर कम कर दें, तो जो भी एक्स्ट्रा सॉलिड डिसॉल्व हुआ हुआ होता है वो क्रिस्टल्स की सूरत में आ जाता है। वो अक्सर जो ये ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं, इनके पास एक मीठी चीनी की चीज होती है, उसको शायद मिश्री कहते हैं, क्या कहते हैं शायद अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वाइट सी होती है, वो होता क्या है बेसिकली, वो चीनी डिसॉल्व, चीनी के को क्रिस्टलाइज करके बनाया जाता है मिश्री को, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो केएसपी की एप्लीकेशन है ना, वो यही है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में क्या प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। प्रेसिपिटेशन क्या चीज होती है बेटा, प्रेसिपिटेशन अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करूं और कुछ टाइम बाद किसी वजह से वो सॉलिड दोबारा से अनडिसॉल्व होकर सॉलिड बन जाए तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी इसका फैसला हम करते हैं बेटा केएसपी की मदद से। बात समझ में आ गई मेरी? यस यस सर। अच्छा, अब इसके लिए मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है मेरे पास, एक सब्सटेंस है AB, इसको मैंने डिसॉल्व करवाया XYZ सॉल्वेंट पे, तो ये A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयंस में टूट गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, KSP ग्रेटर हो किससे, आयोनिक प्रोडक्ट से, तो क्या होगा। अब देखो KSP ग्रेटर हो आयोनिक प्रोडक्ट से, KSP ग्रेटर देन आयोनिक प्रोडक्ट यानी के आयन A पॉजिटिव और आयन B नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है, अगर वो छोटा हो और KSP स्टैंडर्ड बड़ा हो, सही है, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, देन सॉल्यूशन इज अनसेचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसा है, अनसेचुरेटेड है और उसके अंदर आप मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अगर हम सपोजिशन में कुछ वैल्यूज ले लें, आपको उससे भी बात समझाएं, फॉर एग्जांपल AB सब्सटेंस का जो स्टैंडर्ड KSP साइंटिस्ट ने निकाला है वो है 10। आप घर में बैठे हुए AB को पानी में डिसॉल्व कर रहे थे और घर में बैठ के AB को पानी में डिसॉल्व करके उसकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर आया 7। स्टैंडर्ड क्या है, 10, आपका आंसर आ रहा है 7, आपका आंसर छोटा है स्टैंडर्ड बड़ा है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड, और उसके अंदर आप मजीद सॉल्यूट अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, KSP इज लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट के हिसाब से KSP छोटा हो, यानी के KSP इज लेस देन
आयोनिक प्रोडक्ट. तो ऐसी सूरत में क्या होगा, देन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉरी सैचुरेटेड मैंने लिख दिया देन सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड. सॉल्यूशन सैचुरेटेड लेवल से अपने ऊपर जा चुका है और एंड फर्दर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व. फर्दर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व. मजीद आप सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते. और प्रेसिपिटेशन होगी. प्रेसिपिटेशन विल अकर. प्रेसिपिटेशन विल अकर का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि अगर सिचुएशन और कंडीशन में जरा सी भी चेंजेस आए तो जो भी आपने एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट उसके अंदर जबरदस्ती ठूस के डिसॉल्व किया था ना, वो सारा का सारा सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाएगा. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि केएसपी की वैल्यू भाई थी 10, तुम्हारी आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 13. इसका मतलब तुमने जबरदस्ती उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है ज्यादा. अब जो तुमने ये जबरदस्ती ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया है ना, अगर जरा सा भी टेम्परेचर नीचे आया या कोई और कंडीशन बदली तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. यानी कि वो जो तुमने एक्सेस इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व किया वो सारा का सारा सॉलिड बनकर वापस आ जाएगा. तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, कि केएसपी इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट. अगर केएसपी आयोनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि केएसपी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आइन मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव आइन. फिर इसमें क्या है, देन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. सॉल्यूशन सैचुरेटेड है एंड फर्दर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व. फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता एट सेम कंडीशंस, उसी कंडीशंस के ऊपर फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते. और प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर. लेकिन अगर मैंने इसके अंदर जरा सा भी मजीद सॉल्यूट और किसी तरह जबरदस्ती ऐड कर दिया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. इसकी मिसाल ऐसा ही है कि भैया केएसपी की वैल्यू 10 है, आपकी वैल्यू भी 10 आ गई, इक्वल चल रहा है मामला, समझ गए. तो ऐसी सूरत में प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. लेकिन अगर आपने एक चुटकी भर भी इसके अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड कर दिया तो प्रेसिपिटेशन होने के फुल ऑन चांसेस हो जाएंगे. अभी देखो जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एप्लीकेशन केएसपी की बताई वो एप्लीकेशन नहीं है जो मैंने अभी तुम्हें टॉपिक के स्टार्ट में बताई थी इलेक्ट्रोलिसिस वाली. लेकिन ये जो है ना, ये एप्लीकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो उस दौरान भी हम नहीं चाहेंगे कि ड्यूरिंग प्रोसेस किसी भी वजह से हमारा जो भी सॉल्यूट हमने ऐड किया है, सॉल्यूशन जो हमने बनाया है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने बनाया है, वो अनडिसॉल्व होकर वापस आ जाए. हम ये नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत. समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर. तो ये आज का टॉपिक था. अब इस पूरे टॉपिक में किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. सर जी, सर जी बेटा बोले. सर अब ये वाला लेक्चर अपलोड कर दें. बेटा रोजाना ही लेक्चर अपलोड करता हूँ, आज भी करूंगा. सर तो आपने लिंक नहीं भेजी है. बेटा लिंक YouTube का चैनल मेरा